नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मियों का वेतन न बढ़ने पर सफाई कर्मचारियों ने विरोध जताया। शुक्रवार को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले सफाई कर्मियों ने इसे लेकर कलेक्टर पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और सफाई कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये किए जाने की मांग की। मुरादाबाद निगम में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। कर्मियों का वेतन बढ़ाने का मामला अरसे से लंबित है। नगर निगम बोर्ड ने इसे अपनी सहमति दी मगर यह मुद्दा आज तक अधूरा है। शुक्रवार को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले पदाधिकारियों ने कलेक्टर पर एकत्रित होते हुए धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आउटसोर्सिंग कर्मियों का अरसे से लंबित कर्मियों का वेतन बढ़ाने की मांग की। मांग की गई कि ये कर्मचारी सीमित आय में काम कर रहे हैं, उनका वेतन बढ़ा के 15,000 रुपये किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। प्रदर्शन में सर्वोच्च निर्देशक लल्ला बाबू द्रवेट, विशाल सरन, बलबीर भारती, सोनू बाल्मीकि, दिनेश माइकल, बिक्की बादशाह आदि पावर 10 के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम रवि द्रवेट, मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय संचालक हूँ। आज पूरे प्रदेश के मुख्यालय पर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि पड़ोस के राज्य में सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग की तनख्वाह 15,000 रुपये है और उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर आमदनी के स्रोत सरकार को बहुत है, उत्तराखंड में कम है, उत्तर प्रदेश के अंदर 7,500 रुपये तनख्वाह दी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से और साथी प्रशासन से कि 7,500 की तनख्वाह में हम लोग क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम लोग अपने बच्चों को क्या पहनाएंगे और क्या रोटी खिलाएंगे। कोरोना के काल में आपने देखा होगा, अगर सड़कों पर कोई घूम रहा था तो या तो सिपाही घूम रहा था या स्वास्थ्य विभाग के या सफाई कर्मचारी को कोरोना योद्धा का मुंह जवानी खिताब तो दे दिया, लेकिन कोरोना योद्धा का आज तक भी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र तंपे की जगह पेट की रोटी जरूरी है। हम सरकार से मांग करते हैं इस माध्यम से कि हमारी तनख्वाह, कर्मचारी तनख्वाह 7,500 से 15,000 कर दे, वही हमारे लिए कोरोना योद्धा खिताब होगा, वही सम्मान होगा, क्योंकि उस सम्मान से हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। पूर्व में जो है आपने द्वारा वहाँ पे ज्ञापन दिया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था, वो आपकी जानकारी में क्या हुआ? आपकी जानकारी में है क्या किया गया? क्योंकि भेदभाव हम बढ़ावा कह रहे हैं, भेदभाव बंद करो। भेदभाव करके अधिकारियों द्वारा लॉलीपॉप दे दिया जाता है, लेटर भी जारी किया गया था, लेटर जारी किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इसकी वजह से मुख्यमंत्री से बता रहे हैं, हमने लोकल प्रशासन के माध्यम नगर राज्य को, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था अम्बेडकर पार्क में, हम दे चुके हैं, बता चुके हैं। आज हमारा लास्ट मूवमेंट ये है कि प्रत्येक मुख्यालय पर ज्ञापन दे रहे हैं और इसके बाद पूरे प्रदेश के भ्रमण करके उग्र आंदोलन होगा, सक्रिय आंदोलन होगा, अपनी मांग को मंगवा करेंगे, क्योंकि लड़ाई रोजी रोटी की लड़ाई है, किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है।